पाकिस्तान ने कश्मीर के बाद अब जूनागढ़ को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने गुरुवार को जूनागढ़ मुद्दे को फिर से उठाया। बलूच ने आरोप लगाया कि भारत ने जूनागढ़ पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। अपने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बोलते हुए मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि जूनागढ़ के बारे में पाकिस्तान का नीतिगत बयान हमेशा स्पष्ट रहा है कि भारत के गुजरात का एक शहर जिसे 1948 में मिला लिया गया था। बलूच ने दावा किया कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला लिया गया था। पाकिस्तान इस मामले को ऐतिहासिक और कानूनी परिपेक्ष से देखता है। जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था और भारत का उस पर अवैध कब्जा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है। मुमताज जहरा बलूच ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान हमेशा राजनीतिक और कूटनीतिक मंचों पर जूनागढ़ मुद्दे को उठाता रहा है और इसका शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी जूनागढ़ मुद्दे को जम्मू और कश्मीर की तरह अधूरा एजेंडा मानता है। पाकिस्तान दुनिया के हर एक मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन उसे हर जगह से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान कश्मीर को आतंकवाद के जरिए हासिल करने का सपना देखता है। इस कारण भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध निचले स्तर पर हैं। इसके अलावा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुमताज ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और मजबूत संबंध विकसित करने की पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की। बलूच के अनुसार दोनों देशों की सरकारों के सहयोग से संबंध और बेहतर होगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की उम्मीद है। बता दें कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तब 3 रियासतों के विलय का मामला उलझा हुआ था। इन 3 रजवाड़ों में जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद थे। तीनों में हैदराबाद और जूनागढ़ की स्थिति एक जैसी थी। यहां 80-85% आबादी हिंदू थी और शासक मुस्लिम, लेकिन कश्मीर में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वहां राजा हिंदू था, लेकिन 3/4 कश्मीरी मुसलमान थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू किया। इसके तहत लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया। इससे राजा अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान से जोड़ सकते थे या फिर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते थे। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया था। जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो की इसमें मुख्य भूमिका भी रही थी। 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ को नियंत्रण में लिया। इसके बाद जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल की नाराजगी के बावजूद भी जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। इनमें 201,457 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 190,000 से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिया और इसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 मत मिले थे। इसके बाद से जूनागढ़ को भारत का एक अभिन्न अंग माना गया, लेकिन पाकिस्तान आए दिन जूनागढ़ को लेकर के भी जहर उगलना कम नहीं कर रहा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।